Hello students, welcome to Rancike online learning. I am Jatin. Today I am presenting NTSE crash course assignment 1 of chemistry, metal and non-metal. So let's start. Hamara pehla question hai, which of the following metals is present in the anode mud during the electrolytic refining of copper? Inme se kaun sa metal hamare paas present hai anode mud ki form mein? Theek hai, to dekhte hain. ये हमने ये तैयार कर लिया, ठीक है. यहाँ पे बैटरी लगा दी, ये कैथोड और ये एनोड, प्लस माइनस ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हो गया. तो इस कैथोड से इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा एनोड मड और बाकी यहाँ पे चले जाएंगे. तो यहाँ पे कौन से आ सकते हैं जो कि रिएक्ट नहीं करते. अब इनमें से देखते हैं रिएक्टिव कौन सा नहीं है. पहले देखते हैं सोडियम. सोडियम होता है भाई, आयन की फॉर्म में होता है. एल्यूमिनियम भी होता है. गोल्ड कम रिएक्टिव होता है, इसलिए हम इसको ऑर्नामेंट्स में भी यूज करते हैं. और तीसरा चौथा है आयरन. आयरन भी रिएक्टिव होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो गया सी, गोल्ड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. द कंपाउंड इज सोल्यूबल इन वाटर. द एलिमेंट लाइकली टू बी. एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड देता है जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है हाई, और वो कंपाउंड है वो वाटर में भी सोल्यूबल है. तो चलिए देखते हैं. पहला है कैल्शियम. कैल्शियम को चेक करते हैं. कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया तो गिव्स अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट. पहले देखते हैं इसे बनता क्या है. इससे बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका मेल्टिंग पॉइंट सच में हाईएस्ट होता है. हाईएस्ट तो नहीं होता, वैसे हाई होता है. और जब इस कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो हमारे पास बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये होता है वाटर सोल्यूबल. तो हमारे पास पहला ऑप्शन ही आ गया कैल्शियम. नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड. अ ग्रीनिश कोटिंग डेवलप्स ऑन कॉटर यूटेंसिल्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ. हमारे पास जैसे कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं, उनको हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वो ग्रीनिश कलर के हो जाते हैं, तो वो कौन से कंपाउंड की फॉर्मेशन की वजह से होते हैं. तो ये बेसिकली रिएक्शन पे डिपेंडेंट है. कॉपर है हमारे पास, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है और वाटर भी है. ये सब के मिलके क्या बना देते हैं, एक तो बना देते हैं CuCO3 प्लस COOH होल ट्वाइस. इसका ग्रीनिश कलर मेनली इसकी वजह से होता है, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है. तो हमारा ऑप्शन हो गया ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रॉन्ज मेडल्स आर मेड अप ऑफ. ब्रॉन्ज किससे बना होता है. ये वैसे कंसेप्चुअल तो है नहीं, याद करने वाला है. तो इसके अंदर होता है एक कॉपर और एक होता है टिन, और एक होता है हमारे पास ब्रास. उसमें क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक. ब्रास इसको याद करने का मेथड बताता हूँ. जिसे यहाँ पे एस है इसको इससे मैच कर दो, यहाँ पे एस है, यहाँ पे जेड है इसको इससे मैच कर दो, जेड है. ये इजी मेथड है याद करने का. तो लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, ब्रॉन्ज किससे बना होता है, कॉपर प्लस टिन से. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन्स नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. नॉन मेटल पहले देखते हैं अमलगम. ब्रास, ब्रास कैसे बना था, कॉपर प्लस एस आर आई. एस आर आई यानी यहाँ पे क्या आएगा, जिंक आएगा, ठीक है. ब्रास इसे बना था अमलगम. अमलगम कौन से होते हैं जिनमें मरकरी प्रेजेंट होता है. ये तो खुद ही मेटल है, गन मेटल. इसमें तो पहले मेटल दे दिया, तो यानी हमारा ऑप्शन होगा ए, जिसमें नॉन मेटल प्रेजेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6. एन एल्यूमिनियम स्ट्रिप इज केप्ट इमर्स्ड इन अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब. द चेंज ऑब्जर्व्ड इज दैट. एक एल्यूमिनियम की स्ट्रिप ले रखी है हमने, ठीक है. उसको हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर डिप कर रखा है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, फेरस सल्फेट का सोल्यूशन है, और ये हमारे पास है एल्यूमिनियम स्ट्रिप. तो अब क्या होगा, ये एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये Fe को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है. Fe को डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, Al2SO4O3, ठीक है, ये बना देगा, और प्लस आयरन, ठीक है. तो इसलिए इस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन. तो ग्रीन सॉल्यूशन से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउन के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग स्मेल्टिंग. इनमें से कौन सा मेटल हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते स्मेल्टिंग से. तो हम देखते हैं फेरस, एल्यूमिनियम, जिंक और पीबी.
इनमें से कौन सा नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते, तो वो है हमारा एल्यूमिनियम। हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? बी।